आपका शिक्षा क्षेत्र विशेषरगंज बहराइच में स्वागत है। आज मैं ध्यान आकर्षण का पार्ट वन बनाने जा रहा हूँ और इसमें मैं ये बताऊँगा आपको कि शिक्षकों की क्या परेशानी है और शिक्षकों द्वारा क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। ये है आपका ध्यान आकर्षण अधिगम आधारित शिक्षण, शिक्षक हस्तपुस्तिका 19-20 समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश। ये आपका समस्त शिक्षा माननीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, ये उनका संदेश है हम सभी के लिए। आगे है डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश सरकार। देखिए शिक्षक साथियों, सरकार हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए विशेष प्रयास कर रही है और उस एक सफल प्रयास में मैं भी एक छोटा सा योगदान देने की कोशिश कर रहा हूँ। उसी के तहत में जो हमारे साथी शिक्षकों की परेशानियाँ होती हैं उनके लिए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, जो पार्ट वन है। ये है आपका रेणुका कुमार आईएएस, अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन, जिनका संदेश है। ये मैं बाद में दूसरे उसमें बताऊंगा विस्तार से। मनीष त्रिघाटिया आईएएस सचिव बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ, उनका संदेश है। और इसके बाद है आपका ध्यान आकर्षण। अब जानिए आगे ध्यान आकर्षण में क्या है। भाग एक ध्यान आकर्षण अधिगम आधारित शिक्षण, जिसमें इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके उद्देश्य क्या हैं, बच्चों में समप्राप्ति ना होने के कारण। भाग दो लर्निंग आउटकम एवं आकलन, इसमें लर्निंग आउटकम अधिगम स्तर में अंतर, लर्निंग गैप्स क्या है, सीखने के स्तर का आकलन, बच्चों का चिन्हांकन, ध्यानाकर्षण सेवर। भाग तीन कक्षा शिक्षण हेतु रणनीतियाँ एवं तकनीक, परिप्रेक्षेप शिक्षण कार्य के पूर्व तैयारियाँ, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया क्या करें क्या ना करें, कक्षा शिक्षण की प्रभाव तकनीकियाँ और शिक्षण तकनीकों पर आधारित शिक्षण योजनाएँ। प्रशिष्टाचार का जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ प्रशिष्टाचार में, वो ये है। प्रशिष्ट एक आरंभिक परीक्षण के प्रपत्र अधिगम, प्रशिष्ट दो अधिगम परिणाम आधारित प्रगति विवरण हिंदी गणित विज्ञान अंग्रेजी, प्रशिष्ट तीन प्रभावी शिक्षण तकनीक तालिका और प्रशिष्ट चार अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न और प्रशिष्ट पांच ध्यानाकर्षण सेवन हेतु समय सारणी। आज मैं भाग चार के प्रशिष्ट चार के अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों को बताने जा रहा हूँ। शिक्षकों की बहुत प्रॉब्लम होती हैं, वो अधिकांशतः प्रश्न पूछते हैं, उनका कोई निराकरण नहीं करता है, उसका निरीक्षण करने के लिए मैं आज इसी पर एक टॉपिक। नमस्कार साथियों, आपका पुनः स्वागत है। मैं मास्टर प्रेम सिंह, उच्च प्राथमिक विद्यालय नेजाभार, मैं आपका पुनः स्वागत करता हूँ। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न, ध्यान आकर्षण शिविर सामान्य कक्षा शिक्षण के लिए किस तरह अलग है। ध्यान आकर्षण शिविर विशेष रूप से उन बच्चों के लिए है जिनका अधिगम स्तर उनकी कक्षा के अनुरूप नहीं है। ध्यान आकर्षण शिविर विशेष रूप से उन बच्चों के लिए है जिनका अधिगम स्तर कक्षा के अनुरूप नहीं है या जो सीखने में कक्षा के बाकी बच्चों से पिछड़ गए हैं। ऐसे बच्चों के लिए सामान्य रूप से कक्षा शिक्षण करने से विशेष लाभ नहीं होता है, विशेष लाभ नहीं होता है यदि उनके साथ शिक्षक वर्तमान कक्षा के पाठ्यक्रम शिक्षक वर्तमान कक्षा के पाठ्यक्रम पर कार्य करते हैं तो ये उनमें संदेह है कि बच्चों को मदद करने वाला हो।
ऐसी स्थिति में शिक्षक बच्चों के स्तरवार समूह बनाकर आवश्यकता अनुसार शिक्षण योजना बनाकर बच्चों के साथ कार्य करें। इस प्रकार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ही बच्चों के यदि उनके साथ शिक्षक वर्तमान कक्षा के पाठ्यक्रम पर ही कार्य करते हैं तो इसमें संदेह है कि बच्चों को मदद करने वाला हो। ऐसी स्थिति में शिक्षक बच्चों को स्तरवार समूह बनाकर आवश्यकता अनुसार शिक्षण योजना बनाकर बच्चों के साथ कार्य करेंगे। इस प्रकार शिक्षक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ही बच्चों के कठिनाई के बिंदु का पता लगा लेंगे तथा उनका समय रहते हुए निराकरण कर देंगे। इससे बच्चों के अधिगम स्तर में आने वाले अंतर या गैप की संभावना समाप्त हो जाएगी। प्रश्न नंबर 2, ध्यानाकर्षण शिविर के दौरान क्या अलग से कक्षा लगाई जाएगी? नहीं, अलग से कक्षा लगाने से बच्चों में हीन भावना आ सकती है। आप निर्धारित कक्षा में ही ध्यानाकर्षण तकनीकों पर आधारित शिक्षण योजना बनाकर उन बच्चों के साथ कार्य करेंगे जिनका अधिगम स्तर कक्षा अनुरूप नहीं है। इसके लिए आप मॉड्यूल में दी गई विभिन्न तकनीकों का प्रयोग करें जिनके उदाहरण भी दिए गए हैं। नंबर 3 प्रश्न है, ध्यान आकर्षण तकनीकों से शिक्षक करेंगे और पाठ्यक्रम कैसे पूरा करेंगे? आप जानते हैं कि पाठ्यक्रम लर्निंग आउटकम पर आधारित है तथा लर्निंग आउटकम दक्षता आधारित होता है, तो वास्तव में बच्चों को पढ़ाने का उद्देश्य बच्चों में प्रत्येक कक्षा की अपेक्षित दक्षताओं का विकास करना है। असल में चुनौती तो यह है कि अधिगम स्तर में अंतर की स्थिति में बच्चे वर्तमान कक्षा के पाठ्यक्रम से सामंजस्य कैसे बैठा पाएंगे। उदाहरण के लिए यदि बच्चा वर्ण पहचान नहीं कर पा रहा है तो वह पाठ कैसे पढ़ेगा, उसे कैसे समझाएंगे। इस प्रकार यदि बच्चा 1 या 2 अंकों का जोड़ नहीं कर पा रहा है तो वह हासिल का जोड़ या फिर गुणा भाग या बीजगणित के सवालों को कैसे हल कर पाएगा। ये परिस्थितियां एक शिक्षक के लिए काफ़ी कठिनाई पैदा करती हैं। इसके लिए प्रत्येक शिक्षक का दायित्व है कि वह अपनी कक्षा में बच्चों के वास्तविक अधिगम स्तर को जाने और उसी अनुरूप शिक्षण योजना बनाकर विभिन्न तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए शिक्षण कार्य करें। इससे निश्चित ही बच्चे कक्षा एवं विषयवार निर्धारित लर्निंग आउटकम को हासिल कर सकेंगे। अब शिक्षक साथियों, आपका 4th प्रश्न और उसका जवाब, पिछली कक्षा में के शिक्षकों ने ठीक से काम नहीं किया तभी बच्चों का अधिगम स्तर कम है, इसकी सजा हमें क्यों दी जा रही है? इसे सजा के तौर पर नहीं देखना चाहिए, यह एक शिक्षक का कर्तव्य है कि अपनी कक्षा के बच्चों को बेहतर सीखने में मदद करें। इसके लिए उन्हें हर संभव प्रयास करना चाहिए। ध्यानाकर्षण तकनीक के माध्यम से शिक्षण ऐसा ही एक प्रयास है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन तो विद्यालय में लागू नहीं है, तो फिर आप सतत आकलन करने को क्यों कह रहे हो? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन अलग से कोई कार्यक्रम नहीं है, यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा है। जैसे शरीर से रक्त को, नदी से प्रवाह को और समुद्र से उसकी गहराइयों को अलग नहीं किया जा सकता है, वैसे ही सतत एवं व्यापक आकलन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से अलग नहीं कर सकते हैं। शिक्षक साथियों, यदि आपको लेवल कठिन लगे तो उसका स्तर कम कर सकते हैं, मैं धीरे बोल रहा हूँ तो YouTube के वीडियो में जाकर आप स्पीड को कम कर सकते हैं, और यदि धीरे लगता है तो आप कम कर सकते हैं। यदि आपको लगता है मैं तेज बोल रहा हूँ तो इसकी स्पीड को कम कर सकते हैं। आपका अगला प्रश्न 6, आरंभिक परीक्षण का प्रश्न पत्र कौन तैयार करेगा? आरंभिक परीक्षण प्रश्न पत्र शिक्षक ही तैयार करेंगे। आपकी समझ के लिए इस मॉड्यूल में 4 ऐसे परीक्षण प्रश्न पत्र दिए गए हैं। आपका
सातवीं प्रॉब्लम क्वेश्चन और उसका जवाब। क्या आरंभक परीक्षण प्रश्न पत्र को प्रिंट कराकर प्रत्येक बच्चे को देना होगा? शिक्षक इसकी व्यवस्था कैसे करेगा? अच्छा हो यदि प्रत्येक बच्चे को अलग से मिल जाए, इसके लिए अलग फंड विद्यालय ग्रांट से मिल सकता है। अंत आप शाम पट पर ही प्रश्नों को लिख सकते हैं। आठवां प्रश्न है आपका और उसका सॉल्यूशन। हमारे यहाँ तो कमज़ोर बच्चे आते हैं, वे कैसे लिखेंगे? यह एक भ्रांति है, हमारे यहाँ कमज़ोर बच्चे आते हैं। वास्तव में कोई कमज़ोर नहीं, कमज़ोर होता ही नहीं है। कोई किसी विषय में प्रवीण होता है तो कोई किसी विषय में। क्या मछली पेड़ पर चढ़ जाती है पर क्या वह पानी में बहुत अच्छे ढंग से तैरती नहीं है? क्या कोई खरगोश पानी में वैसे तैर लेता है जैसे कछुआ? क्या सचिन तेंदुलकर विज्ञान विषय में अपनी कक्षा में अव्वल आते थे, लेकिन क्या वे विश्व के महान बल्लेबाजों में शुमार नहीं हुए? तो फिर कौन तेज और कौन कमज़ोर है? वास्तव में हमारा नज़रिया ही किसी को तेज या कमज़ोर बनाता है। आप बच्चों को कार्य करने का अवसर दें, ऐसा माहौल बनाएं जहां बच्चे कार्य करने में रुचि लें, फिर सीखना तो स्वतः ही हो जाता है। एक शिक्षक का कार्य बच्चों को सोचने, प्रश्न करने, तर्क करने, कार्य करने आदि के अवसर देता है। आपका नवा प्रश्न और उसका हल। माता पिता तो अपने बच्चे की पढ़ाई पर ध्यान देते नहीं हैं, हम कहाँ तक उन्हें पढ़ा पाएंगे? सर्वप्रथम तो हमें अपने कर्तव्य और दायित्वों के प्रति सजग और ईमानदार रहना है। हम यह सतत आकलन करते रहें कि हमें जो कार्य करने हैं उन्हें किए या नहीं। आपका स्वयं पर सतत आकलन करते रहें, अधिकार और नियंत्रण है। ऐसी स्थिति में एक पक्ष तो यह है कि आप अपनी मॉनिटरिंग स्वयं करें कि आप क्या कर रहे हैं। दूसरी बात रही बच्चों के माता पिता की, जो आप अब उनके बच्चे उनसे बात करके प्रोत्साहित कीजिए कि वे अपने बच्चों को नियमित विद्यालय भेजें, उन्हें उनके बच्चों के प्रगति के से अवगत कराएं। हो सकता है कि इतने पढ़े लिखे ना हों, शिक्षा के महत्व को समझ पा रहे हों, या फिर रोज कमाना रोज खाना वाली स्थिति में हैं, तो उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए समय दे पाना संभव नहीं लगता है। आप ऐसी स्थिति में भी अपने प्रयास जारी रखें, माता पिता को प्रोत्साहित करें और तथा बच्चों के साथ रोचक तकनीकों से शिक्षण कार्य करते हुए उनके अधिगम स्तर में वृद्धि करें। क्या इस प्रकार के ध्यानाकर्षण शिक्षक में समुदाय का सहयोग ले सकते हैं? अगला आपका दसवां प्रॉब्लम और उसका सुझाव। क्या इस प्रकार के ध्यानाकर्षण शिक्षक में समुदाय का सहयोग ले सकते हैं, वो कैसे? अवश्य समुदाय या गांव में ऐसे पढ़े लिखे लोग अवश्य मिल जाते हैं जिनके पास कुछ समय है तथा वे एक या दो घंटे विद्यालय में शिक्षण कार्य दे सकते हैं। आप उनसे अवश्य बात करें तथा उनके पास उपलब्ध समय के अनुरूप उन्हें विद्यालय में बच्चों का सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित करें। ध्यानाकर्षण तकनीक की संख्या बारे में इस पर विस्तार से बात की गई है। इसके साथ ही आरंभिक परीक्षण से पहले SMC के साथ बैठक कर अपनी योजना के बारे में उन्हें बताएं, उन्हें उसमें सहयोग करने के लिए आमंत्रित करें। बाद में आरंभिक परीक्षण के परिणामों को भी जरूर साझा करें। ध्यानाकर्षण ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक एंड शेयर। साथियों, मुझे विश्वास है कि आपको इसमें बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी और अपने शिक्षक साथियों को, यदि आप उनके साथ अपने शिक्षक साथियों को सहायता पहुंचाना चाहते हैं और उनका भी मदद करने चाहते हैं तो इसको शेयर करें। ठीक है बच्चे, अध्यापक साथियों नमस्कार, एक बार पुनः नमस्कार। मेरी तरफ से मास्टर प्रेम सिंह की तरफ से स्वागत है। उच्च प्राथमिक निजाभार शिक्षा क्षेत्र विशेषरगंज बैराज। जय हिंद, जय भारत।